जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपका आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिख दें, जो भी आपके आए हो खुलकर कमेंट्स में लिखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके राशि के व्यक्तित्व के बारे में, कि क्या व्यक्तित्व है जो आपको अभी तक पता नहीं है, एकदम नई जानकारी होती है। आपकी राशि के जातक मूलतः बहुत कम ये देखा जाता है, लेकिन एक छोटी जगह से आकर एक बड़ा काम करने की क्षमता रखते हैं, और ये बहुत बार देखा भी गया है। ऐसे एक नहीं, कई उदाहरण हैं और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो आपको ये देखने को मिलेंगे, और ये कुवत आप में है। दूसरी बात है कि कई बार हम चीज़ों को समझने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो बड़ों का जो लिंक से हटकर काम करने का जो आपका तरीका है, वो एक आप में रोचकता पैदा करता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता भी हूँ कि अगर आप लिंक से हटके भी काम करना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर कोई अपना जो बहुत करीबी हो, जो जिस पर आप बहुत विश्वास रखते हो, उससे राय मशवरा लेकर करें। क्योंकि जब हमें दूसरा जब देखता है, तो वो एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकता है मुकाबले हमारे। तीसरी बात है कि ये लोग निर्णय शक्ति इनकी बहुत अच्छी रहती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन निर्णय कई बार जब सही निर्णय की बारी होती है खुद के हिसाब में, तो थोड़ा सा डाउनफॉल में हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप निर्णय सोच समझ के लें। वैसे तो बहुत अच्छे लेते हैं, लेकिन आप ज़्यादा सोचें नहीं, मतलब सोच समझ के लें, लेकिन जितना जैसे टाइम लेकर अगर आप निर्णय लेंगे, तो वो उतना ज़्यादा उलझाने वाला रह सकता है। तुरंत जो भी करना है तुरंत आप अपना लें। इसके अलावा दोस्तों, धन के सिलसिले में यह है कि धन आता रहता है, ऐसा धन का कोई विषय नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि आपका धन दूसरों पर ज़्यादा खर्च होता है। दूसरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपका फितरत ही है, कोई दुखी दिखा, कोई परेशान दिखा या कुछ भी दिखा, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप देने में विश्वास रखते हैं, न कि उन्हें रखने में विश्वास रखते हैं। कई बार लोग आपको घमंडी भी समझते हैं, ये उनका वहम है, ऐसा नहीं है वास्तविकता में, लेकिन लोगों की मानसिकता है, वो समझते हैं, उनका व्यक्तिगत बंध है, उससे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते हैं कि जाने अनजाने में किसी को मजबूर से बुरा लग जाए, ये प्रयास पूरे करते हैं। कई बार अपने कर्म को या कर्तव्य को निभाने में किसी का अहित हो जाता है, उससे आप बहुत ज़्यादा पीड़ित और बहुत ज़्यादा खुद को ग्लानि समझते हैं। तो मैं कह देना चाहता हूँ, कोई ग्लानि समझने की आवश्यकता नहीं है, आपने अपना कर्म किया जो आपको करना था, जो नीतिगत था। अगर राजा कठोर नहीं होगा तो प्रजा को कैसे चला पाएगा। तो ये चीज़ें हमें होती रहती है, तो इसलिए आप इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान दें, और इन चीज़ों पर आप ऑब्जर्वेशन अपना जारी रखें, और इन चीज़ों पर हमेशा आप पॉजिटिव रहे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। ओवरऑल आपका लाइफ टाइम बहुत अच्छा जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, ईश्वर का नाम ले, उस खुद को अगर कोई बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आप खुद को ईश्वर के हवाले कर दें, कि मेरी समस्या है ईश्वर आपके हवाले, मैं आपके हवाले हूँ, आप जो आदेश देंगे, आप जो राय, क्योंकि अक्ल वही देता है, हम जो विचार सोचते हैं वो हम नहीं सोचते, वो जो अक्ल देने वाला है। आप सोचो, आपके मन में डॉक्टर जब आपका दिमाग खोलता है, जो भी करता है, आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया कि विचार कहाँ से आते हैं। तो कुछ तो शक्ति है, ये एग्जाम्पल है जो मैंने आपको शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट्स में अपनी जो भी राय होगी वो खुलकर आप लिख सकते हैं। और बस यूं ही इसी तरह से आप प्यार देते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।